Hey lovely people, welcome back to my channel with yet another video. I know I'm filming after so long. मैंने काफ़ी टाइम से कुछ भी फिल्म नहीं किया है सो अभी मैंने सोचा कि ये वीडियो तो ज़रूर जाना चाहिए बिकॉज आज बात करने वाली वो काफ़ी अच्छी चीज़ है. सो मैं बात करने वाली हूँ एक आई शेडो पैलेट पे जो कि मेरे को मिला था इन अ गिव अवे. सो मैंने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था ऑन इंस्टाग्राम पे हुक मेकअप बोलते हैं. आई डोंट हैव एनी आइडिया सो आप समझ लेना. सो काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में. मैंने एक हॉल भी कर रखा अपने चैनल पे काफ़ी पहले का हुक मेकअप हॉल करके, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो. सो मैंने उधर ही पार्टिसिपेट किया था एंड आई एम लकी इनफ टू गॉट आई शेडो पैलेट फ्रॉम दिस साइड. सो मैं उसी का आज रिव्यू करने वाली हूँ एंड अच्छा था काफ़ी. सो मेरे को लगा कि रिव्यू करना चाहिए सो हम करेंगे रिव्यू. सो इस वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. अगर आप जानना चाहते हो उस पैलेट के बारे में थोड़ा बहुत सो आप मेरे साथ जुड़े रहो टिल दी एंड. एंड आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं ऑन कैमरा उसको यूज़ भी करने वाली हूँ अपनी आईज़ पे, क्योंकि मैंने भी आप जैसे देख सकते हो बेस मेकअप कर रखा है बट आईज़ पे मेकअप नहीं करा. सो हम उसे यूज़ भी करेंगे इस वीडियो में. एंड माय इंस्टा हैंडल इज राइट है @tanajasaofficial. सो अगर अभी तक फॉलो नहीं किया सो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो वहाँ पर रेड कलर की बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो एंड नीचे उसके बगल में बेल भी होगी उसको भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे आए. सो विदाउट फर्दर ब्लैबरिंग लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. सो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि किस पैलेट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ. ऑफकोर्स आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा. सो ये पैलेट मेरे कुछ ऐसे रिसीव हुआ तो मैं इधर नहीं शो कर रही हूँ क्योंकि इधर मेरा एड्रेस दिया हुआ है. सो ये इतना बड़ा बॉक्स था. ऑफकोर्स ये बबल रैप में आया था जो कि मैंने निकाल दिया. प्लास्टिक है ये पूरी जो भी है प्लास्टिक एंड काफ़ी स्टर्डी है. मतलब LA गर्ल प्रो मास्टरी आई शेडो पैलेट. सो मेरे को मिला था मास्टरी आई शेडो पैलेट जिसमें कि न्यूट्रल्स और न्यूट्स एंड काफ़ी पिंकिश एंड ब्राउन और इस सब के अंडरटोन्स में है. एंड सबसे अच्छी बात है कि इसमें पीछे आपको मिल जाएगा इसकी डेट ऑफ पैकेजिंग एंड इंग्रेडिएंट्स एंड इसमें जो भी कलर्स हैं उनके सेपरेट नेम्स भी दिए हुए हैं वो मिलेंगे. एंड ये 35 ग्राम्स का पैलेट है एंड ये 16 कलर आई शेडो पैलेट है. इसमें 16 कलर्स हैं ऑल टोटल एंड सबकी डिफरेंट नेम्स है जो कि मुझे अच्छा लगता है कि अलग अलग नेम्स हो तो नेम करने में इजी रहता है. मेरे को आउटर पैकिंग बहुत ज़्यादा लग्जूरियस एंड बहुत प्यारी लगी. इसको ये थोड़ा सा डेलीकेट है तो आपको ट्रेवल करने में थोड़ी दिक्कत होगी. आपको थोड़ा सा कपड़ों के बीच में या तो फिर आपको एक स्टडी बॉक्स में रखना पड़े ताकि ये टूटे ना, क्योंकि इट कंटेन्स अ फुल लेंथ मिरर. मतलब इतना ही अंदर इतना ही साइज़ का एक मिरर भी है. सो दैट्स इसीलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा अगर आप इसको लेकर ट्रेवल करते हो. बाकी घर पे भी रखोगे तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको इसको यूज़ करना है, अदरवाइज गिरा तो आई थिंक सो टूट जाएगा. क्योंकि मतलब टूट गया ऊपर का या तो ये वाला ग्लास या अंदर का ग्लास टूटने का डर हो सकता है, जैसा कि मैंने फील किया है अब तक यूज़ करके. क्योंकि इसको मेरे को रिसीव हुए एक महीना तो 20 डेज आराम से हो गए हैं एंड इसे मैं 5-6 बार यूज़ कर चुकी हूँ. उसके बाद ही मैं ये रिव्यू शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं ऐसे कोई भी पैलेट उठा के ऐसे रिव्यू शेयर कर दूँ जो कि मैंने यूज़ तक नहीं किया हो अच्छे से. सो मैंने इसको 5-6 बार सारी पार्टीज़ अटेंड करके यूज़ करके तब मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. सो जब हम इसको खोलते हैं सो दिस कंटेन अभी आप देख सकते हो. ये देखो मेरा चेहरा आपको दिख रहा होगा. मैं ये पूरा फुल लेंथ का मिरर है ना. सारे कलर्स हैं एंड ये एक ऐसे करके एक प्लास्टिक रैप के साथ यहाँ पे स्टिक है. इसको आप पूरा निकाल सकते हो एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये यूज़ कर रखा है ये और मैं शिमर से और मैंने ये दोनों भी काफ़ी यूज़ करे. मैंने ये वाला कलर अभी तक यूज़ नहीं किया है बट आई नो. सो अगर मैं इसकी फॉर्मुलेशन की बात करूँ तो फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा क्रीमी है ट्रस्ट मी. क्योंकि अगर मैं आपको एक स्वॉच दूँ स्वॉचेस आपको अपने हैंड्स पे अच्छे से लगा के आपको एक वीडियो या क्लिप इंसर्ट कर दूंगी जो कि अभी आप देख रहे होगे अपनी स्क्रीन पे कि ऐसे कुछ सारे शेड्स. सो विदाउट फर्दर ब्लैबरिंग हम इनको टेस्ट करते हैं अपनी आईज पे क्योंकि बिना आईज पे टेस्ट किए हुए नहीं समझ में आता. करते हैं हमारा आज का आई लुक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ब्रश ले रही हूँ. मैंने इसी से यूज़ कर रखा है इसको. ब्रश मेरे सारे गंदे पड़े हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड ये वाला. इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइट शेड है इसको मैंने क्रीज में लगाऊंगी एंड उसको क्रीज से थोड़ा सा एक्चुअली ऊपर
पैलेट इज फॉर 1850 रुपीज़, 1850 रुपए का ये पैलेट है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट इट इज़ वर्थ द प्राइस, क्योंकि इसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप एक नए ब्राइड हो तो आपके लिए ये सारे कलर्स इज इनफ, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स एक ब्राइड हो तो पार्टीज में जाने के लिए शिमर लुक्स चल जाएंगे, क्रीज में लगाने के लिए ये वाले लुक्स, कभी आपको थोड़ा सा डार्क मेकअप करना है तो आप ये पर्पल और ये ब्लैक और ये ब्राउन का भी ले सकते हो, एंड यू आर डन, यू आर सॉर्टेड ले सकते हो अगर आप एक ब्राइड हो एंड एक अच्छा पैलेट ढूंढ रहे हो, क्योंकि नाउ द कलर, सो यही सेम थिंग मैं इस वाली आई पे करके आई बी राइट बैक, इसे ब्लेंड करूंगी आउटर व्यू पे फोकस कर। एंड इसको मैं अपनी पूरी लेड पे लगाऊंगी, अभी आप देखिएगा क्या होता है। कैन यू सी हाउ पिगमेंटेड दीज शिमर आर, सो मैं इसको एक ब्रश ले रही हूँ एंड उससे ब्लेंड कर रही हूँ। शेड ले रही हूँ एंड इसको अच्छे से अपने शिमर हल्का सा हट गया है ना उसको हम ये बनाना शेड लेंगे ये वाला एंड इसको लेंगे एंड इससे जो भी वैसे ज़्यादा फॉल आउट नहीं हुआ इस आई शेडो से देख लीजिए आप चाहे तो। एंड सो इसके बाद हम ले रहे हैं वही ये वाला शेड स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश पे इसको थोड़ा सा लाइनर एंड विद मस्कारा एंड विद लैशेस आई विल बी राइट बैक। के बाद हमारी आईज कैसी लग रही हैं, सो आई विल गिव मी अ मोमेंट एंड आई विल बी राइट बैक। आईज आर ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड टू कंप्लीट द फाइनल लुक मैं ये वाला लूंगी शिमर शेड एंड इसको अपने इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी। लिपस्टिक टुडे आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन सेंसेशन लिक्विड मैट इन दी शेड 06 एंड ये एक पिंकिश लिप शेड है, सो ये इस लुक के साथ काफी अच्छा लगेगा आई होप सो। कि ये पूरा मेकअप लुक क्रिएट हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ये कुछ ऐसे ही पैलेट्स है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल ने एंड शेड्स काफ़ी अच्छे हैं, सो आप एक ब्राइड हो या कोई भी आप इसे पार्टी लुक क्रिएट कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स छोड़ दूंगी, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन परचेज दिस पैलेट एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवन सब्सक्राइब टिल येट। मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय गाइज, टेक केयर, खुद से प्यार करिए, खुश रहिए, बाय।